स्वागत आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन होने वाला है वो है अरुंधति मूवी के ऊपर। एक और नया पार्ट लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। काट लिया। मैं इस लड़की का प्रेमी हूँ। इसने मुझे धोखा दिया और शादी नहीं की। मैं इसे मार डालूंगा। तो भूतों की भी लव स्टोरी होने लगी। बेहम कर अल्लाह। चल अंदर। छोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शैतान से इसकी रक्षा करना याली। ये अल्लाह की पाक खाक है। शुद्र पिशाच इस खाक को पार नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए अल्लाह का घर है और तू जैसों के लिए है। चुप कर। इसके अंदर जा। छोड़ दे इस शरीर को। ये क्या पागलपन है? नहीं बेटी, ये बहुत पहुँचे हुए फकीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान याली। जा। ए करीम जी, आज रात तुम इस जार को शमशान में ले जाकर गाड़ दो। अच्छा जी। सीता बहन जी, बच्ची को ले जाओ। जी बाबा। आंखों में सुरमा लगाना, बभूत को पानी में मिलाकर पिला दे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मालिक ने हमें यहाँ भेजा। रुक नहीं सकता। सुशीला पुराने महल में, इनसे कहा वहाँ चलो। तो ये शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रुको, चलिए पहले तुम्हारी नजर उतार लो और फिर चलते हैं। मुझे वो सब नहीं करना है। चलिए सुनो, मुझे समाधि को तोड़ना है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ओहो, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी छोटी मालकिन इस तरह टॉर्चर करने से भी ठीक होता है क्या? इंसान को बचाने के लिए उसके भीतर के भूत को निकालना पड़ता है, और भूत को निकालने के लिए तगड़ी मार लगानी ही पड़ती है। मुझे मारने में मजा थोड़ी ही आता है बेटी। आज के जमाने में आप भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं? क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? हाँ करती हूँ। तो क्या हुआ? तो भूत होते ये भी मानना पड़ेगा तुम्हें। क्यों, तुम मुझे भूत दिखा सकते हो? दर्द हुआ ना जी? उसने कहा दर्द हो रहा है, अब बताओ वो दर्द दिखा सकती हो? क्या बात है, क्या पंच मारा? अपने प्राण दिखाओ मुझे। जो दिखाई नहीं देता वो सब झूठ नहीं होता, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। ऐसा आपके कुरान में लिखा है क्या? हमारी भगवद गीता में भी लिखा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। क्या बात, तस्माद् परिहर्यर्थे न त्वं शोचितं अर्हसि। तुम्हारा कलावा बांधना सच है तो इस फकीर का ताबीज भी सच है। अगर तुम्हारा नारियल तोड़ना सच है तो मेरा नींबू बांधना भी सच है। भगवान को सर झुकाना जरूरी है तो शैतान का सबक भी। इस मानसिक रोगी के साथ ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आती? पर इसकी जान खतरे में है। यहाँ इसे आपसे खतरा है। अरे ओ। कुछ पता चला? असली खतरा उसके ऊपर नहीं मंडरा रहा है, तुम्हारे तुम्हारे आसपास खतरा मंडरा रहा है। ऐसा कहकर मुझे डरा रहे हो? देखो मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चली जाओ, फौरन चली जाओ, इस शहर से चली जाओ। के साथ कह रहे हैं तो कोई वजह जरूर होगी। चुप रहिए। चंदा माँ, मैंने कहा ना, मेरी बात तो सुनो। चलिए यहाँ से। हेलो, तुम्हें याद करते हुए, तुम्हारा इंतजार करते हुए यहाँ एक आत्मा भटक रही है। So sad, my poor Rahul. जल्दी से आ जाओ, मैं बिरह की अग्नि में जल रहा हूँ। इस आग से मुक्ति दिलाओ। पर कैसे, मैं तो मुंबई में हुई नहीं। लेकिन मैं तो राजगढ़ में ही हूँ। राजगढ़ में? मुझे लग रहा है ये आधी रात के 12 बजे हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा, यहाँ शहर से बाहर एक पुराना महल है। अच्छा, बहुत इतने डिटेल हो गए। कहाँ जा रही है मालकिन? बाहर जा रही हूँ, 10-15 मिनट में आ जाऊंगी। किसी को बताया भी नहीं। नहीं, गलती कर दी। कितना डरावना है यार।
यहाँ क्यों आई हो बेटी? यहाँ से वापस चली गई। ओ। यहाँ मेरा राहुल आया हुआ। अंदर कोई इंसान नहीं रहता। मत जाओ। यहाँ शादी पर कौन बात कर रहा है? राहुल, कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ छुपा है। राहुल। कितना डरावना यार। राहुल क्या बात है यार, काफ़ी अच्छा सीन है। अगले जो पार्ट है वो बड़ा दासू होने वाला है। मतलब ये जो सीन है ना, मतलब जानबूझ के इसको हमने आ रखा था ताकि एक जो मज़ा आए पूरा, वो एक पूरे सीन में आए तो मज़ा आएगा क्या, क्योंकि अब थोड़ा मामला गड़बड़ होने वाला है। अनुष्का के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो पूरी तरह से, मतलब कि वो खतरा आने वाला है। मतलब कि वो समझाया भी था, बाबा ने फकीर ने समझाया भी था, लेकिन मानी नहीं है। तो आगे क्या होने वाला है, बड़ा मज़ा आएगा इसको देखकर। आपको कैसा लगा ये वाला सीन, कैसा लगा जरूर बताना। ये रिएक्शन कैसा लगा वो भी जरूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।